नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं जुबानी वार पलटवार। छठवें दौर के प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराजगंज में जनता को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज यूपी की जनता सरकार की योजनाओं का लाभ ले पा रही है। महिलाओं किसानों के लिए मोदी योगी सरकार ने तमाम योजनाएं चलाने का काम किया है। और क्या कुछ कहा है आप ही सुनिए। ये है मोदी जी का कमाल, ये है योगी जी का कमाल, ये है भारतीय जनता पार्टी, गरीबों की पार्टी, वंचितों की पार्टी, महिलाओं की पार्टी, युवाओं की पार्टी, किसानों की पार्टी। आप बताइए, हमारे किसान भाई हैं, बहुत लोगों को किसान नेता बनने का शौक चढ़ा, देश में बहुत लोगों ने अपने आप को किसान नेता कहलाया, लेकिन 2.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करके, 2.25 लाख करोड़, 2-2 हजार रुपए हर 3 महीने पर 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए हर तीसरे महीने पर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, 10 किश्त पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई, हर तीसरे महीने 2-2 हजार मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है किसान भाइयों। यह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। कभी किसान ने सोचा था कि पेंशन लगेगी? कभी सोचा था कि पेंशन लगेगी? आज पेंशन लग रही है। और उसके साथ साथ ये जो स्वच्छ भारत, शौचालय बना कि नहीं बना, शौचालय बना कि नहीं बना, पहले बहने खेतों में जाती थी, आज मोदी जी ने 11 करोड़ बहनों को शौचालय देकर के, इज्जत घर देकर के उनकी इज्जत की रक्षा की है, उनका सशक्तिकरण किया है, उनको ताकत दी है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। आप बताइए, सड़क बन रही है कि नहीं बन रही है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना कि नहीं बना? गोरखपुर लिंक वे बना कि नहीं बना? नए इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? खुशीनगर का एयरपोर्ट बना कि नहीं बना? और नए संस्थान खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं? और यहां भाट में भी आगे नए संस्थान खुलेंगे। प्रेम सागर को आप जिता करके भेजिए, इसकी आप चिंता कीजिए। एक समय में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज हैं। गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुला है कि नहीं खुला है? अब आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, आपका इलाज गोरखपुर में होगा। और भगवान न करे कि किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ेगी तो गोरखपुर में आपको वो इलाज होगा जो दिल्ली में होता था, वो इलाज। अब यूपी में 2 चरणों का मतदान बाकी है और आज छठवें चरण का मतदान का प्रचार खत्म हो गया है। प्रचार के अंतिम दिन सभी सियासी दिग्गज चुनावी हुंकार भर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करी। इसके साथ ही विपक्षियों पर जमकर निशाना भी साधा। समाजवादी पार्टी परेशान है, कह रहे कि इतना काम कहां से, पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कहा देखो, नियत साफ होती है तो पैसा भी आ जाता है। वो परेशान है, क्या एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है, चीनी मिलें चल रही हैं, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नगर पंचायतों का गठन हो रहा है, महाराजगंज में भी एक नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, आखिर इतना पैसा। मैंने कहा हमारी नियत साफ है, विकास करा रहे हैं हम लोग, हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान के लिए कार्य कर रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं। कहते हैं पैसा कहां से आया है। मैंने कहा देखो, पैसे के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा उपकरण है, वो हाईवे भी बनाता है और माफिया को भी रौंदने का काम करता है। भाइयों बहनों, अभी से उन्होंने बुकिंग प्रारंभ कर दी भागने की। कोई 10 मार्च को भाग रहा है, कोई 11 को मां भाग रहा है, कोई इंग्लैंड, कोई ऑस्ट्रेलिया, और जो बचे खुचे कुछ नेपाल की तरफ भागेंगे। तो हम लोगों ने बॉर्डर पे क्वाइट कहा कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग बना दी, भाग नहीं ना पाए। अब इनकी गर्मी को यही शांत करवाओ। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं, इस काम को करने के लिए चाहिए एक दमदार सरकार। दमदार सरकार देंगे ना, दमदार सरकार के पक्षधर हैं।
छठे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम को थम गया। बलिया के सातों विधानसभा सीटों पर सियासी दल अपनी तरकश का तीर चला चुके हैं। इसी कड़ी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बलिया में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंचे। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देकर अपनी बात शुरू की। कहा कि बलिया ने हमेशा देश को नई दिशा देने का काम किया है। ये छठवें चरण का चुनाव होने जा रहा है। अभी तक जो चुनाव हुए हैं आपको जानकारी मिल गई होगी, समाजवादी पार्टी और गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि छठवें चरण में भारतीय जनता पार्टी को बलिया की जनता छांट के रख देगी। ये डबल इंजन की सरकार झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? कहने को तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर सच्चाई देखोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। इनके नेताओं के भाषण सुनिए, जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। यूपी की राजनीति में लगातार प्रचार का दौर जारी है। ऐसे में तमाम सियासी दिग्गज चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल गोरखपुर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर जुबानी वार किया। इनको न गेहूं समझ आता, न मटर समझ आ रहा है, न सरसों समझ आ रहा है, न खेत समझ आता, न खलिहान समझ आता, और नहीं तो प्रधानमंत्री तो ये बोलना नहीं पड़ता कि मुझे ये नहीं मालूम था कि यहाँ छुट्टे जानवर की भी समस्या है। यहाँ के सांसद है, पड़ोस के बनारस के सांसद हैं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, दो दो बार सांसद हो गए, लेकिन ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश के किसान छुट्टा जानवर से परेशान है। रात रात भर जाग के छुटुरती ठंड में जाकर अपने फसल बचा रहे हैं। ऐसे आपके सांसद, आपके मुख्यमंत्री यही कराने वाले, ये समस्या देन उसी की है। ये 5 साल पहले छुट्टे जानवरों की समस्या नहीं थी, ठीक है यहाँ, और अब सब छुट्टे जानवर खेतों में चल रहे हैं, घूस में फसल बर्बाद कर रहे हैं। ये किसका जानवर है? ये सांड किसका है? धीरे से बोलो। योगी का। अच्छा, और धीरे बोलो। योगी का। डरते हो? चौरा चौरी के लोग हो क्या? डरने वाले नहीं है, और जो डरते हैं वो चौरा चौरे की नहीं है। ये साहसी बहादुरों का ये झुक भूमि है, और ये छुट्टा जो जानवर है वो योगी की। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़ के छतहरी स्थित वीरेंद्र ग्रामीण स्टेडियम मैदान में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा कर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जाति धर्म के आधार पर आई सत्ता जनमानस के लिए नुकसानदायक है। बसपा सपा और भाजपा जाति धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन कांग्रेस धर्म और जाति पर वोट नहीं मांगती। जातिवाद और धर्मवाद के आधार पर राजनीति उभरी और आप सबने उसका समर्थन किया। तब से लेकर अब तक कई दशक बीत गए। आपने बसपा की सरकार देखी, समाजवादी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और बार बार चुनाव के समय आपने भी आंख मूंद कर अपना वोट दे दिया। जिसने आपको बताया कि आपका धर्म सुरक्षित रखेगा, जिसने आपको कहा कि आपकी जाति को सुरक्षित रखेगा, उसी को आपने आगे बढ़ा दिया। इस तरह से इन पार्टियों के नेताओं के मन में, उनके दिमाग में कुछ धारणाएं पैदा हुई और वो धारणाएं स्थापित भी हो गई।
और सबसे मुख्य धारणा क्या थी कि जब चुनाव आएगा तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें तो वोट मिलना ही है। अब जब हमें इस आधार पर वोट मिलना ही। यूपी विधानसभा चुनाव 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। राज्य में 6ठे चरण का मतदान 3 मार्च को है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक देना चाहती हैं। यूपी की सत्ता पाने के लिए सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से प्रयास करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मिर्जापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि गलत नीतियों के कारण पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। इस पार्टी के सत्ता में होने से गरीब नहीं याद आते थे, और जब सत्ता में थी तो गरीब याद नहीं आते थे, लेकिन अपनी गलत नीतियों की वजह से अब सत्ता से बाहर हो गई है कांग्रेस। सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। सपा की सरकार में तो ज्यादातर यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक तत्वों व सरेआम लूट खसोट करने एवं दंगे फसाद आदि कराने वालों का ही राजरा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में हमेशा यहाँ तनाव की स्थिति बनी रही है। प्रदेश में विकास के कार्य भी ज्यादातर यहाँ एक विशेष क्षेत्र व एक विशेष समुदाय के लोगों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही है, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनत कश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। जुबानी वार पलटवार में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए बयानों और बयानबाजियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।